बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हाय व्यूवर्स। हमारा जो पिछला लेक्चर चल रहा था वो था डेट एंड टाइम पर, कि डेट एंड टाइम के साथ हम किस तरह जो है व्यूवर्स काम कर सकते हैं। व्यूवर्स हम इंसर्ट पर आते हैं और उसके बाद व्यूवर्स हेडर एंड फुटर्स हैं, हेडर पर क्लिक करेंगे और उसके बाद व्यूवर्स एडिट हेडर पर क्लिक करते हैं। देखें एडिट मोड में हम आ गए हैं। टाइम का तो हमने कर लिया था कि देखिए टाइम की विंडो थी और इसमें तमाम फॉर्मेट अवेलेबल थे, आप किसी भी फॉर्मेट को सेट कर सकते हैं। और अपडेट का भी मैंने आपको समझा दिया था, तो व्यूअर्स अब हम इसे कैंसिल करते हैं और यहाँ पर इन सबको डिलीट कर देते हैं। ठीक है व्यूअर्स, इन सबको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद डेल दबा दिया, तो व्यूअर्स ये हमारा जो हेडर के अंदर जितनी हमारी चीज़ें थी वो डिलीट हो गई। डेट एंड टाइम हो गया, तो अब इंसर्ट के अंदर व्यूअर्स अब हम बात कर लेते हैं पिक्चर की। ठीक है व्यूअर्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो पिक्चर के मुतालिक होगा कि अब अगर आप व्यूवर चाहें कि आपका लोगो, कि आप अपना कोई भी लोगो, कोई भी पिक्चर यहाँ पर लेके आना चाहते हैं जो हर पेज के साथ प्रिंट हो, तो उसे किस तरह करते हैं। देखिए व्यूवर्स, इंसर्ट पिक्चर पर आएंगे, ये देखें व्यूवर्स यहाँ पर जो है कुछ पिक्चर्स अवेलेबल हैं, उसे आप सेलेक्ट करें, इंसर्ट करें। देखें व्यूवर्स, ये पिक्चर आ गई। इसे हम छोटा सा कर देते हैं क्योंकि पिक्चर छोटी ही अच्छी लगती है, क्योंकि हेडर में पिक्चर बड़ी अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है व्यूअर्स, ये छोटी सी पिक्चर इंसर्ट कर दी। अच्छा, इसी के साथ व्यूअर्स मैं क्या करता हूँ कि एक और पिक्चर जो है हम अपनी इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो वो हम इस साइड पर इंसर्ट कर देंगे। यहाँ पर हमने पॉइंटर रखा हुआ है, स्पेस बार से हम यहाँ पर चले गए थे, तो व्यूअर इंसर्ट पिक्चर पर आते हैं। ये व्यूअर, ये हम अपना एक लोगो इंसर्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं व्यूअर्स। ठीक है व्यूअर्स, ये देखिए एन के डीवीडी जो मेरी वेबसाइट है उसका मैंने लोगो यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। ठीक है व्यूअर्स, और अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसे क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद देखें व्यूअर्स कि ये हर पेज में आएगा, ये देख रहे हैं व्यूअर्स, ये देखिए आप, ये हर पेज के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। ये हमने एक पिक्चर जो इंसर्ट की है ये तमाम पेजेस में आ गई। ठीक है व्यूअर्स, यानी जैसे जैसे प्रिंट होंगे व्यूअर्स ये आ जाएगा। इसी तरह आप फुटर में भी इंसर्ट कर सकते हैं, ये देखें ये व्यूवर्स हमारा फुटर का हिस्सा है, राइट क्लिक करें, फुटर एडिट में आए, देखें हमने पिक्चर इंसर्ट कर ली थी, तो अब हम क्लिप आर्ट जो है वो इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्लिप आर्ट पे आप व्यूवर्स क्लिक करें, देखें व्यूवर्स यहाँ पर कार है, इस पर हम गो करते हैं, ये देखें व्यूवर्स ये कुछ गाड़ियाँ हमारे पास अवेलेबल हैं, इसे हम व्यूवर्स इंसर्ट करते हैं। देखिए जैसे हमने क्लिक किया ये इंसर्ट हो गई। इसे हम साइज इसका बड़ा छोटा कर सकते हैं, ये देखिए हम इसका छोटा सा साइज करते हैं। ठीक है व्यूवर्स, ये देखिए, ठीक है, इसे यहाँ से क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो एडिट मोड से वो बाहर आ जाएगा। अब आप देखें व्यूवर्स कि ये हेडर की पिक्चर्स हैं और ये फुटर की हैं। ठीक है, अब हम नीचे जाएंगे तो ये देखें व्यूवर्स, ये फुटर में भी गाड़ी आ गई। ठीक है, देख रहे हैं व्यूवर्स आप, ठीक है, अब हम व्यूवर्स अगेन इस पर डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, अब व्यूवर्स देखें ये जो हमारी ऑप्शन है नेविगेशन की, ये हमें बताता है इस वक्त, देखें व्यूवर्स हम हेडर पर हैं, ये लिखा है हेडर, करंटली हम कहाँ पर हैं, हेडर पर, एडिट हम हेडर पर कर रहे हैं। अगर हम जाना चाहें गो टू फूटर, तो व्यूअर्स इस पर क्लिक करें, ये देखें व्यूवर्स हम फूटर पर आ गए। ठीक है व्यूवर्स, और अगर फिर हम अगेन क्लिक करते हैं गो टू हेडर, ये देखें व्यूअर्स अब हम हेडर पर आ गए। ठीक है, यानी ये हमें हेडर और फुटर पर लेके जाने के लिए इस बटन को हम इस्तेमाल करते हैं। इस बटन को जैसे इस्तेमाल करेंगे फुटर पर चले जाएंगे, जब फुटर पर होंगे तो व्यूअर देखें ये फुटर का जो ऑप्शन है वो डिसेबल होगा, इस बात का ख्याल रखें। ये देखें ये जो इस वक्त है ना, देखें हम हैं यहाँ पर फुटर पर, ठीक है, और हम जा रहे हैं फूटर पर, तो फूटर का तो ऑप्शन डिसेबल है क्योंकि हम करंटली फूटर पर ही हैं। ठीक है, अभी हम हेडर पर जाएंगे तो देखें हेडर का जो बटन है वो एनेबल है, देखें ये डिसेबल है, क्यों, क्योंकि हम करंटली फूटर पर हैं। हेडर पर जाते हैं, देखें व्यूअर्स हम हेडर पर आ गए हैं और देखें अब जो वो बटन डिसेबल हो गया। ठीक है व्यूअर्स, तो आपको इसकी समझ आ गई। ठीक है, ओके व्यूअर्स, इसे हम जो है हम अपने पेज नंबर 1 पर आ गए। अब व्यूवर ये ऑप्शन जो है ये बताना बहुत ज़रूरी है, हम ऑप्शन पर हैं इस वक्त, देखिए व्यूवर्स डिफरेंट फर्स्ट पेज, व्यूवर्स अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे
तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप हेडर में कुछ भी लिखते हैं तो वो तमाम पेजेस में सेम हो जाता है, ठीक है व्यूअर्स, यानी तमाम पेजेस में सेम प्रिंट निकलेगा। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 और 7 हमें ये ऑप्शन देती है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका पहले पेज का जो हेडर और फुटर हो वो बाकियों से अलग हो, तो आप व्यूअर इस पर क्लिक कर दें। देखिए मैंने जैसे व्यूअर्स इस पर क्लिक किया, आप देख रहे हैं यहाँ पे चेंज हो गया, बिल्कुल खाली जगह है। और देखिए यहाँ पर लिखा है फर्स्ट पेज हेडर। मैं अगेन इससे चेक हटाता हूँ, आप ये देखें अब सिंपल क्या आ रहा है व्यूअर, हेडर। और यहाँ पर देखें वो दो इमेजेस जो मैंने इंसर्ट किए थे दोनों शो हो रही हैं। जैसे ही मैं इस पर व्यूअर क्लिक करता हूँ तो ये जो मेरा पहला पेज है ना इसको बाकियों से अलग कर देता है, ठीक है। यानी इस ऑप्शन को इस्तेमाल करने से मेरा जो फर्स्ट पेज है उसका जो हेडर होगा वो बाकियों से मिलता जुलता नहीं होगा, उनसे अलग होगा, ठीक है व्यूअर्स। इसमें मैं क्या करता हूँ व्यूअर्स, पेज नंबर इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है, ये कर दिया। और इसके साथ व्यूअर्स मैं डेट एंड टाइम डाल देता हूँ, देखें, ठीक है व्यूअर्स। यहाँ से हम क्लोज करते हैं और व्यूअर्स अब ये देखें ये मेरा फर्स्ट पेज था, ठीक है, ये पेज फर्स्ट आ रहा है। और अब आप देखें ये मेरा सेकंड पेज है, ठीक है व्यूअर्स, ये यहाँ से भी नजर आएगा सेकंड पेज, दूसरा सफा। दूसरे सफे में देखें हेडर और है, आप देख रहे हैं इसकी वजह क्या थी, मैंने वहां पे क्लिक किया था, ठीक है। इसे फिर एडिट मोड पे लेके आते हैं, ये देख रहे हैं अभी बस यहाँ पे क्लिक करने की वजह से ये सब कुछ हुआ था, ठीक है। ये अभी हम पेज नंबर 2 पे हैं, जैसे हम 1 पे जाएंगे ये देखें ये आ गया पेज नंबर 1 हमारा, ठीक है। अच्छा व्यूअर्स इस चेक को हम हटा देते हैं। अच्छा अब मैं आपको व्यूअर्स ये बताता हूँ, देखें ये वाली ऑप्शन डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑड क्या होता है और इवन क्या होता है। देखें व्यूवर्स जो होता है आपका 1 ये ऑड कहलाता है, फिर उसके ऊपर 3 वो ऑड कहलाता है, फिर 5 वो ऑड कहलाता है, फिर 7, यानी ऐसे ताक अल्फाज। उर्दू में मैं बताऊं कि ऑड का मतलब होता है ताक अल्फाज। अच्छा ताक अल्फाज कौन से, वही 1, 3, 5, 7, 9। और ताक किसे कहते हैं, ऐसे जो दो पर तकसीम ना होते हों, ठीक है, यानी दो पर अगर हम डिवाइड करें तो वो ना हो वो ताक अल्फाज कहते हैं, ठीक है। अच्छा यहां पर लफज है इवन, इवन इवन का मतलब होता है जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये इवन है, ठीक है व्यूअर्स। उर्दू में अगर मैं आपको बताऊं तो इन्हें कहते हैं जुफ्त अल्फाज, ठीक है। जुफ्त अल्फाज वो होते हैं जो दो पर तकसीम हो जाते हैं, जैसे दो, दो को आप दो पे तकसीम करें एक आता है, जैसे चार, चार को अगर आप दो पे तकसीम करें तो दो आता है, और इसी तरह छः, छः को अगर आप दो पे तकसीम करें तो वो तीन आता है, वो पूरा पूरा तकसीम हो जाता है, ठीक है व्यूवर्स, वो पूरा पूरा तकसीम हो जाना तो वो जुफ्त अल्फाज कहलाते हैं। तो ये एक मैंने मैथमेटिकली आपको बता दिया कि ऑड नंबर होते हैं जो दो पर पूरे तकसीम ना होते हों, उसमें से कुछ ना कुछ बच जाए, ठीक है। जैसे 5 है वो दो पर कंप्लीट तकसीम नहीं होता, ठीक है, लेकिन 6 कंप्लीट दो पर तकसीम हो जाता है। तो जुफ्त और ताक अल्फाज का यहाँ पे जो है वो इस्तेमाल दिया गया है, तो इससे ये मुराद है कि देखें अगर मैं चाहता हूँ कि हेडर और फुटर इस तरह सेट हो, देखें सबसे पहले हम ये वाले हेडर फुटर जो है वो सारे रिमूव कर देते हैं ताकि आपको जुफ्त और इवन की समझ आ जाए, ठीक है, जुफ्त और ताक की समझ आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल व्यूअर हम इसे जो है वो रिमूव कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर आए तो आप जो है सिलेक्ट ऑल किया, मैंने इसे डेल दबाया, ये खत्म हो गया, ठीक है। अब मैं यहीं से गो टू फुटर, फुटर में जाता हूँ, इसे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ये व्यूज डिलीट हो गया। फिर मैं आपको बताऊँ जो काम आप हेडर में कर सकते हैं वही काम आप सेम फुटर में भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप पेज नंबर ऊपर लेके आना चाहते हैं तो ऊपर इंसर्ट करवा दें, अगर नीचे लेके आना चाहते हैं तो फुटर में करा दें, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करते हैं व्यूअर, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे व्यूअर मैंने क्लिक किया ये देखें हेडिंग यहाँ चेंज हो गई, ऑड पेज हेडर, यानी ये पेज नंबर 1 हमारा ऑड होता है, 1 पर है। जैसे मैं इस पे से चेक हटा देता हूँ आप ये देख लें यहाँ पर आ गया हेडर, ठीक है, सिंपल। अच्छा व्यूअर्स इस पे हम क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे सिर्फ इंसर्ट करूंगा मैं डेट एंड टाइम, ठीक है। जो ओड पेजेस है ना यानी 1, 3, 5 उनमें सिर्फ डेट एंड टाइम आएगा, ठीक है व्यूअर्स। अच्छा अब हम नीचे जाते हैं व्यूअर्स, ये व्यूअर्स लिखा हुआ आ गया इवन पेज हेडर, यहां पे क्लिक करता हूं यहां पे सिर्फ और सिर्फ पेज नंबर आएगा, ठीक है व्यूअर्स।
ओके आपको समझ आ गई। अब यहां से क्लोज करते हैं, अब इन सब को हम देख लेते हैं। फर्स्ट पेज पे देखें डेट एंड टाइम आ रहा है, हम नीचे जा रहे हैं व्यूवर्स, ये पेज नंबर टू इवन पेज है हमारा, ठीक है, इस पे टू आ रहा है, नीचे जा रहे हैं व्यूअर्स, ये देखें व्यूअर्स ये पेज नंबर थ्री है, आप देखना चाहे यहां पर आ जाए, ये देखें पेज नंबर थ्री है, ठीक है व्यूअर्स, ये देखें ये पेज नंबर फोर है। तो इस तरह आप अपने जो पेजेस हैं जो जुफ्त और ताक हैं उनको भी आप अलग अलग उसमें हेडर और फुटर लगा सकते हैं। एडिट मोड पर आए, जो व्यूअर्स आप एडिटिंग करना चाहें आप अपनी मर्जी के मुताबिक इन पर एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है व्यूअर्स। अच्छा व्यूअर्स इसे अब हम चेक को हटा देते हैं, देखें व्यूअर्स सिंपल आ गया हमारे पास। अच्छा व्यूअर्स, अच्छा अब व्यूअर्स क्या है देखें, अब हमारे पास ये है शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, ठीक है। अच्छा शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट का क्या मतलब है देखें व्यूअर्स, जब हम इस पर काम कर रहे होते हैं, देखें हम इस पर काम कर रहे होते हैं, ठीक है, उस वक्त हमें ये देखें ये हल्का सा नजर आ रहा होता है ये वाला टैक्स और ये चीजें, ठीक है, ये थोड़ी लाइट हो जाती है। एक मिनट देखें, जब अगर हम एडिटिंग को क्लोज करते हैं तो ये देखें ये बिल्कुल हमारा इस वक्त जो है डार्क मोड में है और इसमें हम एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं, ये देखें 1 2 3, ठीक है व्यूअर। लेकिन जब हम आते हैं एडिट करते हैं हेडर एंड फुटर को तो ये देखें ये लाइट हो जाता है। यहाँ पे देखें मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन माउस काम नहीं कर रहा, इस पर मैं एडिटिंग नहीं कर सकता। अच्छा अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही आप एडिट मोड पर आए हेडर और फुटर के तो ये खत्म हो जाए, ये जो नीचे लिखा हुआ है ये सब कुछ खत्म हो जाए, ठीक है, यानी ये शो ना हो, तो आप इस चेक को हटा दें व्यूअर्स। देखें व्यूअर्स मैंने इस चेक को हटाया, यहाँ से सब कुछ गायब हो गया, मैं सिर्फ हेडर और फुटर पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं इसकी एडिटिंग कंप्लीट करता हूँ, ठीक है व्यूअर्स, और मैं क्लोज करूंगा, देखें व्यूअर्स ये मेरे डॉक्यूमेंट ओपन हो गए। अब इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है व्यूअर्स, ये चेक ऑटोमेटिकली लगा हुआ है, मैं इस चेक को हटाऊंगा, ये देखें व्यूअर्स ये खत्म हो गया, ये देखें व्यूअर्स मेरे हेडर फुटर नजर आ रहे हैं, ये आपको कोई डॉक्यूमेंट जो है इसमें नजर नहीं आ रहा, कोई कुछ भी टेक्स्ट लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, आप देख रहे हैं, ठीक है व्यूअर्स। ये देखें मैं इस वक्त पेज नंबर 5 पर आ चुका हूँ और लेकिन कुछ भी टेक्स्ट नजर नहीं आ रहा, ये कब नजर आएगा जब मैं इस पर चेक लगा दूंगा। देखिए मैंने इस पर चेक लगाया, ये देखें व्यूअर्स ये हमें दिखाई दे रहा है, चेक हटा दूंगा तो ये हमें दिखाई नहीं देगा, ठीक है व्यूअर्स, इसकी आपको समझ आ गई। अब इसके साथ ही व्यूअर्स ये लास्ट है टॉपिक, इसे भी करके जो है कंप्लीट कर देते हैं कि ये पोजीशन का हमारा टॉपिक है कि ये किस तरह काम करती है, ये मैं आपको बताता हूँ। हम सबसे पहले फर्स्ट पेज पे चले जाते हैं, ठीक है व्यूअर्स। अब ये देखें व्यूअर्स ये लिखा है हेडर फ्रॉम टॉप, अगर आप हेडर का साइज बड़ा छोटा करना चाहते हैं व्यूअर्स तो आप इस पर क्लिक करें, ये देखें व्यूअर्स मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ और अगर आप यहाँ देखें ये देखें ये साइज बढ़ गए, देख रहे हैं व्यूअर्स, ये देखें मैं क्लिक करता जा रहा हूँ, ये देखें ये साइज बढ़ गया है, ठीक है। तो इस तरह आप इसका साइज बढ़ा सकते हैं। इसी तरह व्यूअर्स हम गो टू फुटर पर जाते हैं, देखें व्यूअर्स हम फुटर पर गए और फुटर का साइज हम बढ़ाना चाहते हैं, देखें व्यूअर्स ये मैं इसे अप करूंगा, ये देखें व्यूअर्स ये देखें ये साइज बढ़ रहा है उसका, आप देख रहे हैं ये फुटर का साइज बढ़ गया इस वक्त, ठीक है व्यूअर्स। अच्छा अब व्यूअर्स कम करना चाह रहे हैं तो यहीं पे क्लिक करेंगे, देखें व्यूअर्स ये कम हो रहा है, ठीक है व्यूअर्स ये आप कम कर सकते हैं, ठीक है। हम हेडर पर जाएंगे, अब हेडर का देखें ये साइज बड़ा हुआ है इस वक्त। अच्छा इसको आप व्यूअर्स अगर और बढ़ाना चाहते हैं तो एंटर से भी बढ़ा सकते हैं, ये देख रहे हैं कि मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ, ये देखें ये साइज ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है, ठीक है व्यूअर्स, ये देखें एंटर से भी इसका साइज आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है व्यूअर्स, ठीक है व्यूअर्स ये इसका साइज बढ़ गया, मैं यहाँ से इसका साइज छोटा करूंगा, ठीक है व्यूअर्स, ये देखिए मैं इसका साइज छोटा कर रहा हूँ, ठीक है व्यूअर्स, यानी हम यहाँ से इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके अलावा व्यूअर्स अगर आप यहाँ पर देखें, ये आप देख रहे हैं ये व्यूअर्स, मैं यहाँ से माउस की मदद से भी इसका साइज छोटा बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है, आप ये देखें व्यूअर्स, देख रहे हैं व्यूअर्स ये देखें, यानी माउस की मदद से भी मैं इसका साइज यहाँ से छोटा बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है व्यूअर्स। तो ये मैंने आपको बताया कि हेडर और फुटर का हम साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा व्यूअर्स अब पोजीशन की बात हो जाए कि अलाइनमेंट की, कि हम इसे अलाइन किस तरह कर सकते हैं, ठीक है व्यूअर्स, इस पर क्लिक करते हैं, ये देखें व्यूअर्स लेफ्ट साइड में तो ऑटोमेटिकली है तो हम इसे राइट साइड पर करके ओके प्रेस करेंगे, ये देख रहे हैं व्यूअर्स टेक्स्ट हमारा जो था डेट एंड टाइम वही सिलेक्ट था, वो हमारा राइट साइड पर आ गया। फिर व्यूअर क्लिक करते हैं, सेंटर है तो सेंटर पे क्लिक कर देते हैं, देखें व्यूअर्स वो सेंटर में आ गया।
अगेन इस पे क्लिक करेंगे लेफ्ट साइड में, ये देखें व्यूअर्स लेफ्ट साइड में आ गया। इसी तरह आप हेडर में हमने कर लिया, तो इसी तरह हम फुटर में कर सकते हैं। अगेन इसे सेलेक्ट करते हैं, इस पे क्लिक करेंगे, ये देखें व्यूअर्स, ठीक है। अच्छा व्यूअर्स, इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात भी बता दूं कि जैसे मैं अलाइनमेंट पे क्लिक करता हूँ, ये देखें ये कुछ आ रहे हैं लीडर्स, ठीक है। अभी ये नन है, अगर मैं इन पे आपको बताता हूँ कि ये किस तरह काम करेंगे, ठीक है व्यूअर्स। अब हम क्या करते हैं, इसे डिलीट कर देते हैं, ठीक है व्यूअर्स, इन्हें भी सबको डिलीट करते हैं। सिखाने के लिए मैं वन लिख के व्यूअर्स, ठीक है, इसे मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है व्यूअर्स। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखें व्यूअर्स, अगर आप चाहते हैं कि डॉटेड आ जाएं तो इस पर आप क्लिक करें, ओके प्रेस करें, देख रहे हैं व्यूअर्स ये पूरी लाइन आ गई डॉटेड के साथ। अच्छा अगेन इसे हम सिलेक्ट करते हैं, फिर इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस, देखें जैसे नंबर 4 है एग्जाम्पल के तौर पे, देखिए उसने कहा कि ये बिल्कुल लाइन आ जाएगी, ठीक है, ये तो डॉटेड थी, मैं इस पर क्लिक करके ओके प्रेस करता हूँ, देखें व्यूअर्स लाइन आ गई, ठीक है। इसी तरह इसे हम सिलेक्ट करते हैं, अगेन इस पर क्लिक करेंगे, ये देखें व्यूअर्स, अब ये जो डॉटेड है ना, ये 3 के बिल्कुल दरमियान में है, ना ऊपर है ना नीचे। अगर आप इसको देखें तो ये 5 के ऊपर है, और इसे देखें ये 2 के नीचे है, ठीक है, ये बॉटम साइड पे है, निचली तरफ है, ठीक है, ये सेंटर में है, ये आप देखें व्यूअर्स, ये देखें 1 के बिल्कुल सेंटर में है, 1 के नीचे नहीं है, जबकि अगर मैं अंडू करूं तो ये 1 के नीचे था, ठीक है व्यूअर्स। आई थिंक सो कि इसकी भी आपको समझ आ गई होगी, ठीक है व्यूअर्स। तो हेडर का और फुटर का जो है हमारा व्यूअर्स लेक्चर खत्म होता है। इसी के साथ व्यूअर्स मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।